खरगोन तीर्थ वो पवित्र स्थान है जहाँ मोक्ष प्राप्ति हेतु भगवान का ध्यान किया जाता है। तीर्थ में रहने से पाप नष्ट हो जाता है। तीर्थों में जाकर मंत्र जाप करने का 100 गुना प्रतिफल मिलता है, परंतु आज विडंबना है कि पाश्चात्य संस्कृति के कुप्रभावों के चलते वर्तमान में तीर्थ स्थल पिकनिक और हनीमून स्पॉट बनते जा रहे हैं, जिसके दुष्परिणाम आने लग गए हैं। उक्त उद्गार निमाड़ के सुप्रसिद्ध कथावाचक पंडित श्री अंकित शर्मा ने मांगरोल रोड साईनाथ कॉलोनी खरगोन में पगारे परिवार द्वारा आयोजित शिव महापुराण कथा के 6ठे दिवस व्यासगादी से व्यक्त किए। आप श्री ने पूर्व निमाड़ में स्थापित ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर में शंकराचार्य जी की प्रतिमा स्थापना और संग्रहालय बनाने हेतु ओमकार पर्वत पर की जा रही तोड़फोड़ को अविलंब बंद करने की मांग करते हुए नर्मदा मैया के अविरल जल प्रवाह को बनाए रखने एवं पैदल और जल प्रक्रिया पथ से छेड़छाड़ नहीं करने एवं ओमकार स्वरूपी पर्वत के गरिमा एवं पवित्रता बनाए रखने का शासन प्रशासन से अनुरोध किया। आपश्री ने कथा के माध्यम से रुद्र संहिता पार्वती खंड में भगवान के कई चरित्र का गुणगान करते हुए कहा कि हजारों हजार जन्म का जब पुण्य उदय होता है तब हमें भगवान का कार्य करने का निमित्त मिलता है, क्योंकि जब तक हमारे अवगुण दोष हमारे पाप हमारे साथ होते हैं तब तक हम चाहकर भी भगवान का कार्य नहीं कर सकते हैं। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। जीव वहाँ पर रहने वाले पशु वहाँ पर रहने वाले संतों को आघात पहुँच रहा है, पर हमारी आवाज सुने कौन? अरे इतना बड़ा स्टेच्यू बनाना है तो और भी जगह बाकी। हम ये नहीं कह रहे कि मूर्ति मत बनाओ, पर मूर्ति बनाएंगे तो वहाँ पर बड़े बड़े गड्ढे खोदे जाएंगे, गड्ढे ऐसे नहीं खोदेंगे ब्लास्टिंग होगी वहाँ पर, फिर मूर्तियां बनाई जाएगी, कई वृक्ष काटे जाएंगे, कई पहाड़ों को काटा जाएगा और जो ओंकार स्वरूप में मेरा मानधाता पर्वत विद्यमान है उसकी सुंदरता पूर्णतया नष्ट कर दी जाएगी। अरे पहले लोग वहां पैदल चल के परिक्रमा करने जाते थे, अब वो परिक्रमा पैदल नहीं होगी, लोग वाहनों से जाएंगे। पूरी सुंदरता को खत्म करने के लिए जो लोगों का दिमाग चल रहा है ना, ये यहाँ की नहीं है, हर तीर्थ की यही दशा है, हर तीर्थ की यही दशा है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।